आप सभी को प्रणाम। आज आप सभी लोग जो इस सत्र से जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आप अपने कीमती समय से कुछ समय निकालकर योग की इस गंगा प्रवाह में आप आनंद की डुबकी लगाने के लिए यहाँ सभी लोग जुड़े हैं इस सत्र से। तो योग प्रेमी कहूं या योग साधक कहूं, योग के मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति वास्तव में वो अपने आप में ही अद्भुत होता है। और योग उस अद्भुतता को बढ़ाने का एक माध्यम है। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि योग शब्द सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन ये इसकी गहराई में जब हम जाते हैं तो ये बहुत विस्तार है, समुद्र से भी बड़ा गहराई है इस योग शब्द में। योग का अर्थ तो हम देखते हैं तो जोड़ना है, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है योगा समाधि, योग समाधि है, लेकिन वो क्या समाधि है? जहां समाधि से कई बार हम अर्थ लेते हैं कि जहां समस्त समस्याओं का समाधान हो जाए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि योग पर चलने वाला जो साधक है, योग मार्गी है, उसके जीवन में समस्या होती नहीं, और जब समस्या नहीं होती तो समाधान की बात ही नहीं है। तो समाधि का अर्थ तो परम आनंद है, समाधि का अर्थ समाधान नहीं मैं मानूंगा। तो समाधान आपका योग को जीवन में अपनाकर अपने आप ही समाधान हो जाता है, क्योंकि समस्या ही समाप्त हो जाती है। तो योग का अर्थ समाधि है, लेकिन वो समाधि है उस परम परमात्मा से जुड़ने का, उस परम आनंद को प्राप्त करने का। तो आप सभी योग के मार्गी हैं, योग पर जो चलना चाह रहे हैं और योग पर जो चल रहे हैं, उन सबको मेरी सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना है। आप सभी लोग योग के पथ पर आए हैं, ये अपने आप में ही एक बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े बहुत बड़ी बात है जो व्यक्ति योग के मार्ग का अनुयायी हो जाए। योग को सुनने के लिए वो अपना समय निकाले और योग को करने के लिए प्रतिदिन अपने जीवन में एक दिनचर्या में उसे ढाले और एक समय निश्चित करके उसको अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसका लाभ जरूर ले। तो योग को हम और आगे विस्तार से जब देखते हैं तो योग, अष्टांग योग की जब हम बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि जी ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण धारणा ध्यान समाधि, अब ये आठ जो अंग है इनमें पहले पांच जो बाह्य योग है बहिर्मुखी है और बाकी तीन जो है ये अंतर्मुखी, आपको अंदर की ओर लेकर जाते हैं। तो पांच जो है ये तैयारी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये तैयारी है योग की। धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग योग, जब आप अंदर की ओर अपने जीवन में प्रविष्ट होते हो। जीवन कहाँ है? जीवन है आपके श्वासों में। तो सबसे पहले अपने श्वासों को यदि आप देखेंगे तो आप पाओगे कि आपके भीतर जो जीवन है वो जीवंत है, और ये जीवन ही उपनिषदों में आता है जीव प्राण धारण। जब तक जीव ने प्राणों को धारण किया हुआ है, इस शरीर में इतनी क्षमता है, शक्ति है कि ये प्राणों को धारण कर सकता है, तो व्यक्ति जीवंत है, जीवित है। और मृग प्राण त्यागे, जब शरीर प्राण को धारण करने की शक्ति खो देता है तो व्यक्ति मृत हो जाता है, उसे हम मृत घोषित कर देते हैं और उसकी यात्रा जो है शमशान घाट की ओर आगे बढ़ती है। ये शरीर की यात्रा है। आत्मा जो जो योग मार्गी है वो आत्मत होकर जीवन को जीता है, आत्मस्थ होकर, जो आत्म केंद्रित होकर जीवन को जीता है, उसकी यात्रा शमशान घाट तक सीमित नहीं होती, उसकी यात्रा तो जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। तो आप सभी योग के मार्गी हैं, योग पर चल रहे हैं, तो आपकी यात्रा बहुत लंबी है, आपको निरंतर इस यात्रा पर चलते रहना है। यही महर्षि पतंजलि कहते हैं निरंतर अभ्यास करना, तो योग को निरंतर अभ्यास में लाना है, ये कोई एक जन्म तक सीमित नहीं है कि आप
ने 50 साल, 70 साल या 100 साल की आयु प्राप्त की और आपके युग की यात्रा समाप्त हो गई। न जाने कितने जन्मों से ये यात्रा चली आ रही है। हम सब की यात्राएं अनंत जन्मों से चली आ रही है, तो इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास कैसा है? अभ्यास केवल बाह्य नहीं होना चाहिए, बाह्य अभ्यास हमारी तैयारी है। जैसे आप कोई यात्रा करते हैं, सपोज करो आप वियतनाम की यात्रा पर निकलते हैं, तो आप पूरी तैयारी करते हो, आप टिकट बुक करते हैं, आप पूरा अपना सामान जो है कपड़े वहां के क्लाइमेट के हिसाब से पूरा कपड़े आप व्यवस्थित करते हो, तब आपकी यात्रा सुखद होती है। अगर वहां ठंड है और आप गर्मी के टी शर्ट ले गए, गर्मी कपड़े ले गए, तो आपकी यात्रा में कहीं ना कहीं विघ्न पैदा होगा। ऐसे ही जो हमारा योग का मार्ग है, अष्टांग योग की हम बात कर रहे हैं, तो बाह्य जो बहिरंग योग है उसमें ये 5 अंग तैयारी है। तो इन तैयारी में भी हमारी कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम की बात करें तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5ों बहुत जरूरी है। इन पर यदि हम डिटेल से बात करें तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो अहिंसा का पालन करना आप सबके लिए बहुत जरूरी है, जो योग मार्गी है, जो जीवन को आनंद से जीना चाहता है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये सारे के सारे जो 5 अभ्यास हैं, ये अपने जीवन में एक योग साधक को जरूर ढालने चाहिए। इनसे यदि आप वंचित हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी योग की यात्रा में विघ्न पैदा होंगे। फिर नियम की बात आ जाती है, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर पारिधान। उस सोच शुद्धि की बात है, स्वच्छ और शुद्ध, जहां स्वच्छता है वही ईश्वर का वास है, वही ईश्वरीय ऊर्जा का। संतोष व्यक्ति के जीवन में जरूर होना चाहिए। जो आप कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं, और उस मेहनत के बदले जो भी आप प्राप्त करते हैं, उस प्राप्त में आप अच्छे से उसका उपभोग करें, परमात्मा का धन्यवाद करें और आगे के लिए प्रयास करें। तो इसी प्रकार से सोच संतोष तप जीवन में बहुत जरूरी है। तप ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान अर्थात जो भी आप करते हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, व्यक्ति कर्म से कभी भी वंचित नहीं रहता। आप सोते हुए जागते हुए हर समय कुछ ना कुछ कर्म में बंधे हुए हैं, तो इस कर्म को व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है और इस कर्म के फल को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, यही ईश्वर प्राणिधान है। आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो ये योग के जो मुख्य अंग है हमारे यम नियम, इनका पालन किए बिना आप योग के मार्ग पर यदि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको सुविधाजनक स्थिति प्राप्त नहीं होगी। आप कहीं ना कहीं भटकेंगे, कहीं ना कहीं आप विघ्न पैदा होंगे आपके जीवन में, और आप जो परम आनंद है, जो समाधि की बात कर रहे हैं, जो अंतरंग योग की बात करें, उससे कहीं ना कहीं आप भटक जाएंगे और वो जीवन में आप आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर वही चक्कर बार बार, फिर जन्म और जन्मों जन्मों में भी बार बार दुख जन्म के साथ। ये सांख्य दर्शन कहता है कि व्यक्ति का जन्म जो है वो दुख का ही एक कारण है। जब व्यक्ति गर्भ में होता है तब भी उसे कई तरह की पीड़ाएं, जब गर्भ से बाहर आता है तो पीड़ाएं, फिर जीवन को जीता है तो अपनी अपनी मृत्युओं के हिसाब से जब व्यक्ति जीवन को जीने लगता है तो कई तरह के उसको दुख घेरते हैं। लेकिन योग, जो हमारा योग मार्ग है, ये आपको समस्त दुखों से निवृत्त करता है। तो आपको अपनी तैयारी को अच्छी करनी है, यम नियम का अच्छे से पालन करो जीवन में, जितना आप हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे जीवन में धारण करो। यम नियम के बाद आसन प्राणायाम। आसन के विषय में भी महर्षि पतंजलि, ये जो शरीर को तोड़ना मोड़ना, ज्यादा शरीर के साथ जो है बलपूर्वक उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ज्यादा बढ़ाना, ये तो शरीर तो एक प्रकृति से बना है। देखिए 5ों तत्वों का जो संतुलन है, यदि ये संतुलन आपका बना रहता है तो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, आपके शरीर में जड़ता भी रहेगी और शरीर आपका ठीक से काम भी करेगा। तो आसन के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आपने जब यम नियम का पालन कर लिया तो आपके शरीर में न अधिक फैट होगा, न अधिक आपके शरीर में स्टिफनेस होगी, अपने आप ही आपका शरीर ठीक से काम करेगा। क्योंकि ये आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये बात मानती है कि आपको 95% रोग जो है वो मन से आते हैं, मानसिक रोग आते हैं, और मन का समाधान यम नियम का
का यदि आप पालन करेंगे तो मन का पूर्ण रूप से आपको समाधान मिलेगा, मन आपका संयमित होगा, मन केंद्रित होगा, और जब केंद्रित होगा तो आप सही समय पर सही कार्य करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, और आपके जीवन में जब सही कार्य होगा तो उसका फल भी आपको सही मिलेगा। तो आसन के विषय में महर्षि पतंजलि केवल 3 ही आसनों के बारे में जिक्र करते हैं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। आप जिस स्थिति में आपका शरीर आपको अलाउ करता है उस स्थिति में आप सहज होकर बैठकर सिद्धासन में बैठें या सुखासन में बैठें या पद्मासन में बैठें, जो भी आपके शरीर की स्थिति है, बैठकर प्राणायाम। नेक्स्ट अभ्यास आ जाता है प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास करें, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। अपने श्वासों पर नियंत्रण पाना, यही तो है प्राणायाम। श्वास के आयाम को बढ़ाना, श्वास पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना श्वास का। अलग अलग श्वास की विधियां हैं, प्राणायाम, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यांतर वृत्ति प्राणायाम, बाह्य विक्षेपी प्राणायाम, कई तरह के जो प्राणायाम की विधियां, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। तो प्राणायाम का अभ्यास आप किसी भी आसन में, जिस आसन को आप अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आप लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, स्थिर सुखम आसन यही आसन है जिसमें आपको स्थिरता और सुख की अनुभूति हो, उस आसन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करना। प्राणायाम से अब यहाँ से आपकी यात्रा जो है वो तैयारी पूरी हो जाती है। प्राणायाम के बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार अर्थात जो भी आप प्राण शक्ति को, जो प्राणायाम करते हैं, प्राण शक्ति बनती है आपकी, प्राण शक्ति को आप संजोते हो, उसको नियंत्रित करते हो और उसका सही उपयोग करते हैं। मान लीजिए आपने कोई संकल्प किया जीवन में कुछ बड़ा करने का, सपोज करो डॉक्टर शिवम मिश्रा जी एक संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं कि भाई योग के जो यथार्थ रूप है उसको हम सामने लेकर आए और समाज को उसका लाभ मिले, और ये लाभ जो है युगो युगों तक लोगों को मिलता रहे, इसके लिए हम एक पूरी रूपरेखा तैयार करें। तो ये एक एनर्जी है, एनर्जी कहाँ से आई, योग के मार्ग पर चलकर प्राणायाम का अभ्यास करके। तो उस ऊर्जा का उपयोग आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपने संकल्प को प्राप्त करने में, आप उस ऊर्जा को जब लगाते हैं तो वो निश्चित रूप से फलीभूत होती है। लेकिन ये ऊर्जा जब प्राप्त होती है तो इसका दो दो मार्ग होते हैं, या तो ये अधो मार्ग से जाती है या ये ऊर्ध्व मार्ग से जाती है। जो योग साधक होते हैं, जो यम नियम का पालन करते हैं, उनके जीवन में ये ऊर्जा ऊर्ध्व मार्ग से ऊर्ध्व गति को प्राप्त करके ऊपर की ओर जीवन को उठाती है, और ऐसे व्यक्ति संसार में यश और कीर्ति को प्राप्त करते हुए, आनंद को प्राप्त करते हुए मोक्ष के मार्ग होते हैं। तो प्रत्याहार की बात हम जब करते हैं तो प्रत्याहार जो आपकी इंद्रियां हैं, अब जब एनर्जी तो आपके अंदर आ गई प्राणायाम का अभ्यास करने से, संयम करने से इंद्रियों पर, लेकिन अब वो जो संयम है वो ईश्वर प्राणिधान करके, जो हमने परमपिता परमात्मा के प्रति जो समर्पित भाव हमने रखे और उससे जो हमने कार्य किया, जो उस कार्य का जो फल हमें प्राप्त होगा वो भी एक ऊर्जा के रूप में ही प्राप्त होगा। जब आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो आपके जीवन में कई ऐसी ऊर्जाएं काम करने लगती हैं जो आपको और आगे बढ़ाने का काम करती है। तो आपको उस ऊर्जा को उस समय संभालना होगा। या तो व्यक्ति अहंकार में आ जाता है, इसी कारण से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं, जो बहुत विद्वान हो जाते हैं, जो साक्षर हो जाते हैं, मैं उनको अक्सर साक्षर कहता हूँ, जो शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा तो उत्पन्न होती है, लेकिन वो ऊर्जा अहंकार के रूप में लेती है, उनको अहंकार उनके सर पर घूमने लगता है। तो ऐसे समय पर आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है, जब ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा अपना काम करती है, उस काम करने के जो फल आपको प्राप्त होता है वो यश के रूप में, वो कीर्ति के रूप में आपको जब भी प्राप्त होता है, उस समय प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना है आपको। अपनी इंद्रियों को जो उनके विषय हैं उन विषयों में आपको बहुत संयम रखना होता है। और जो व्यक्ति इस समय इस जो संयम की जो लाइन है उसको उसने पकड़ लिया, साधक ने, तो वो व्यक्ति धारणा में प्रवेश करता है, वो अंतरंग हो जाता है, वो अंदर की यात्रा उसके लिए प्रारंभ हो जाती है, उसके द्वार खुल जाते हैं, ध्यान के द्वार, समाधि के द्वार, जो धारणा के रूप में पहले उसको प्राप्त होता है। तो धारणा यहाँ से शुरू होगी, जब आप उस सही ऊर्जा को संयमित करते हैं जो आपने प्राप्त की, जो आपने मेहनत की, जो आपने प्रयास किया, निरंतर अभ्यास किया योग का, उस ऊर्जा को आपने संयम के द्वारा
कंट्रोल करना है, संयमित रखना है अपने जीवन को, अपनी ऊर्जा को, और फिर धारणा का अभ्यास करना है। धारणा, कॉन्सेंट्रेशन। आप धारणा जब त्राटक के माध्यम से, सपोज करो आप त्राटक करते हैं, आप अपने आज्ञा चक्र पर यहाँ दोनों आईब्रो के दोनों मोहनी के भीतर अंध बीच में मध्य में जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो यहाँ जो हमारा आज्ञा चक्र है, जिसे ज्ञान चक्र भी कहते हैं, जो आपके जीवन को प्रशस्त करता है। तो सबसे पहले जब भी आप धारणा की बात करते हैं, तो धारणा बाह्य होती है और धारणा अंतरंग होती है। तो बाह्य, एक सामान्य यदि व्यक्ति का स्तर, उसकी योग साधना का स्तर यदि थोड़ा कम है, जो निम्न कोटि का है, तो वो बाह्य साधना से भी प्रारंभ कर सकते हैं, बाह्य धारणा कर सकते हैं। वो किसी मूर्ति पर अपने आराध्य देव को, अपने इष्ट देव को समर्पित होकर भी धारणा कर सकता है। और जो व्यक्ति उच्च लेवल की साधना कर रहा है, उसका स्तर उच्च लेवल का, ये जन्म जन्मांतर पर निर्भर करता है, ये किसी एक जैसी स्थिति सबकी नहीं होती। तो आपको अपनी स्थिति को देखना है कि आपका मन कहाँ धारणा में एकाग्रचित हो पाता है। यदि भीतर की ओर धारणा आप कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा है, ये आपके लिए एक उन्नत हो जाती है। और नहीं तो आप बाह्य धारणा से प्रारंभ करके अंतरंग धारणा की ओर अग्रसर हो। तो आज्ञा चक्र पर जब आप धारणा करते हैं, तो आज्ञा चक्र पर धारणा करने से आपके भीतर एक ज्ञान चक्षु, त्रिनेत्र, जिसको भगवान शिव का त्रिनेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव आदि योगी, महायोगी, योग के आदि प्रवर्तक माना जाता है, योग के प्रथम गुरु माना जाता है भगवान शिव को। शिव कहते हैं जो कल्याणकारी, तो परमात्मा का नाम है शिव, परमात्मा कल्याणकारी है, तो त्रिनेत्रधारी है परमात्मा। तो परमपिता परमात्मा जो त्रिनेत्रधारी है, वैसे ही आपके भीतर भी वो शक्ति जागृत होने लगती है जब आप आज्ञा चक्र पर केंद्रित होते हैं, निरंतर धारणा करते हैं। और आज्ञा चक्र पर धारणा करते करते आपके ध्यान की स्थिति बनने लगती है, और जब ध्यान आपका प्रगाढ़ हो जाता है, ध्यान आपका केंद्रित हो जाता है, वो किसी भी विषय पर जब आप धारणा और ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो वही धारणा और ध्यान आपको उस विषय की सूक्ष्मता में ले जाता है, उसकी गहराई तक ले जाता है। और जब आप किसी भी वस्तु को, किसी भी जो तत्व है, उसकी गहराई तक यदि आप चले जाते हैं, तो आप उसके ज्ञाता हो जाते हैं, आप उसके मास्टर हो जाते हैं। तो जब आप योग की गहराई की बात करते हैं, तो आप योग के मास्टर हो जाते हैं, योग के ज्ञानी हो जाते हो। योग तत्व आपके भीतर, आपके रोम रोम में योग तत्व की जो ऊर्जा है, वो काम करने लगती है। तो वो काम तभी करेगी जब आप धारणा तक पहुंचेंगे। यदि आप केवल बाहर बाहर ही केवल भटकते रहे, बाहर ही आप उलझ गए, और कई तरह की ऊर्जाएं आपको भटकाने का काम भी करेगी, आपको बहुत संयम से आगे बढ़ना होगा। तो धारणा और ध्यान की स्थिति को जब आप निरंतर अभ्यस्त हो जाते हैं, उसमें अपना निरंतर एक ऊर्जा लगाते हैं और उसका जीवन में उपयोग करते रहते हैं, तब जाकर समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। समाधि भी अलग-अलग लेवल पर होती है। समाधि की स्थिति जो ध्यान की परम स्थिति है, यदि आप सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, तो ध्यान की चरम स्थिति समाधि है, जहां सब कुछ सम हो जाता है, संयम और असंयम ये सब पीछे छूट जाता है। यहाँ आपको कोई संयम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ सब कुछ आपके भीतर ही आप देख लेते हो, सब कुछ जान लेते हो, भीतर और बाहर सब एक हो जाता है। ऐसी सम स्थिति, यही योग की परम स्थिति है। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने समत्वम योग उच्यते, समता की स्थिति ही योग है। ये गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्रुति है, बड़ा प्रसिद्ध लाइन है। तो आपको ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करना है? श्वास के माध्यम से आप बहुत आसानी से धारणा और ध्यान और समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। बाह्य जो तैयारी है, ये एक अलग विषय हो गया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये आपके इंद्रियां और मन का विषय है, ये बाह्य विषय है जो प्रकृति के समीप है। लेकिन जब आप भीतर की यात्रा पर चलते हो, धारणा ध्यान समाधि की बात करते हैं, तो वहां आपको प्राण का एक माध्यम बनाना होगा, अपने प्राणायाम पर फोकस करना होगा, और प्राण साधना के माध्यम से आप अपने शरीर और इंद्रियों को साधते हुए ध्यान की स्थिति को
प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राणायाम का अभ्यास आपके लिए वास्तव में बहुत जरूरी है। हर योग साधक को निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आसन के विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप किसी भी एक आसन में जब 2.5 घंटे कम से कम आप स्थिर होकर बैठ सके, तो आपका वो स्थिति बताती है कि आपका शरीर बिल्कुल सज चुका है और आपके शरीर में अब रोग नहीं होंगे, क्योंकि मन आपका उस स्थिति को प्राप्त कर चुका है कि क्योंकि अधिकांश रोग मन से है। तो शरीर को साधने के लिए अगर आप निरंतर एक आसन का भी अभ्यास करते हैं, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन का भी अभ्यास करते हैं, और उस अभ्यास में आप प्राणायाम को साधते हैं, प्राण साधना करते हैं, तो योग की यात्रा आपकी निरंतर उन्नति की ओर आगे बढ़ती जाएगी और आप उस धारणा की स्थिति को पार करते हुए, ध्यान को प्राप्त करते हुए, उस परम आनंद से जाकर जुड़ जाते हैं, एकत्व के भाव में आ जाते हैं, जहाँ एकात्व, जहाँ सब कुछ परमात्मामय हो जाता है। ये आत्मा सो परमात्मा, ये आत्मा ही तो परमात्मा है। ये जब संयम की उस बिंदु को पार कर और उस आनंद के समुद्र में गोते लगाती है, तो व्यक्ति उस परम स्थिति, उस परमात्मा को पा जाता है, परमात्मामय हो जाता है। तो ऐसे ही योग की साधक को अपनी स्थिति को निरंतर बढ़ाना चाहिए। प्राणायाम उसमें बहुत बड़ा लाभकारी है। प्राणायाम में हमने महायोग क्रिया, ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है योग की, प्राणायाम की, जो प्राण के आधार पर बेस है। तो इस क्रिया को यदि आप 21 मिनट प्रतिदिन यदि करेंगे अपने जीवन में, तो निरंतर आपकी उन्नति दर उन्नति होती जाएगी और आप धारणा ध्यान समाधि के स्तर को प्राप्त कर योग के उस परम आनंद के सागर में डुबकी लगा सकेंगे बहुत आसानी से। तो महायोग क्रिया ये बहुत सरल है, इसको मैं आपको आज यहाँ बताऊंगा भी कैसे करनी है। तो महायोग क्रिया में आपको अपने किसी भी आसन में बैठकर सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में स्थिर हो, जितनी भी देर आप बैठ सकते हैं अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। आपको करना क्या है, अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में, ये फर्स्ट उंगली और अंगूठे के दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाइए, बाकी तीनों उंगलियां सीधी, इस तरह से ध्यान मुद्रा में अपने जंघाओं पर रखें, अपने थाइस पर रखें, अपने हाथों को, स्पाइन को सीधा करना है और धीरे धीरे पहले 3 से 4 बार गहरी श्वास लेना है, धीरे धीरे इस प्रकार से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, धीरे धीरे। श्वास पर पूरा फोकस करना है, जितना आप एकाग्र हो सकते हैं अपने श्वासों पर एकाग्र करें, कॉन्सेंट्रेट करें पूरा, फिर धीरे धीरे श्वास की गति को बढ़ाते जाएं। इस प्रकार से श्वास की गति को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अपने कंठ पर आपको फोकस करना है, नासिका से कंठ तक। प्राण चक्र हमारा जो नासिका है और अपर लिप, इसके मध्य का जो भाग है, यहाँ प्राण चक्र स्थित है। तो प्राण चक्र से विशुद्धि चक्र तक एक घर्षण करना है, प्राण का लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, एक रिदम से आप श्वास की गति को अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार रख सकते हैं। तो इस गति से आपको करना है, जिससे एक लंबा अभ्यास कर सके। कम से कम 5 मिनट से आप इसको प्रारंभ करेंगे, तो आंखें बंद रखेंगे, रहेंगी आपके कमर गर्दन सीधी रहेंगी और निरंतर प्राण का घर्षण करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो प्राण बहुत सूक्ष्म हो जाता है, धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप पाएंगे कि आपका प्राण बहुत सूक्ष्म हो गया और जो प्राण के कहीं भी शरीर में ब्लॉकेज है, मूलाधार चक्र से लेकर और पूरा विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र तक, पूरा कहीं भी कोई ब्लॉकेज है, वो सब खुलने लगते हैं इस अभ्यास से। अब ऐसे श्वास को ब्रीदिंग करते करते अब आपको 5 मिनट या अपनी
बॉडी की क्षमता के अनुसार आपको लगे कि अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है आपको, तो आपको क्या करना है, श्वास को अंदर लेना है, पूरा श्वास बाहर छोड़ना है, सहजता से पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए और 3 बंद लगाएंगे। पहला बंद जालंधर बंद, जालंधर बंद में चिन्ह को ऐसे आप नीचे पट से टच करेंगे, गर्दन को पूरा ऐसे नहीं नीचे झुकाना है, केवल चिन्ह को अपने कंठ से, कंठ कोप से टच करते हुए ऐसे। दूसरा बंद उद्यान बंद, पेट को पूरा अंदर की ओर खींचना है आपको जितना आप खींच सकते। तीसरा बंद आपको मूल बंद जो एनस भाग है, मूत्र इंद्रिया है, उसको ऊपर की ओर संकुचित करना है आपको। ये 3 बंद आप श्वास को बाहर छोड़कर लगाएंगे। जितनी देर आप रोक सकते हैं श्वास को रोके, फिर जब श्वास नहीं रुकेगा तो श्वास को अंदर लेना है, श्वास को अंदर लेना। जब श्वास अंदर लिया तो जालंधर बंद फिर से लगाइए, उद्यान बंद नहीं लगेगा, मूल बंद लगाइए। जब श्वास को अंदर लिया तो केवल आपके 2 बंद लगेंगे इसमें, तो ये महायोग क्रिया आपको करनी है। श्वास अंदर 1/4 समय ये आपको रोको, जितना समय आप बाहर रोक पाते, यदि आप 20 सेकेंड श्वास को बाहर रोक पाते हैं तो 5 सेकेंड आप श्वास को अंदर रोके, फिर बंद हटाते हुए जालंधर बंद हटाए, श्वास को नॉर्मल करते हुए मूल बंद भी आप छोड़कर बहुत शांत भाव से आप बैठ जाएंगे। अपने आजा चक्र पर फोकस करेंगे, जहां आप तिलक लगाते हैं इस भाग पर, ये बहुत ही विशेष भाग है, इस पर आपको फोकस करना है। बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाए सभी और शांति के साथ अपने आजा चक्र को देखते रहिए, निरंतर देखूं, साक्षात आप अनुभव करें। आप पाएंगे एक असीम शांति, आप पाएंगे जितनी भी मन मस्तिष्क में जो बेचैनी, जो कोलाहल व्यक्ति के चलता रहता है, न जाने कितने तरह के विचार, ऐसे अनचाहे विचार जो आपको आपके मार्ग से विचलित करते, वो सब शांत, बिल्कुल शांत और स्थिर होते जा रहे हैं। विचारों में जो कंपन है वो सब स्थिरता को प्राप्त कर रहा है, बिल्कुल स्थिर। देखते जाओ अपने आज्ञा चक्र पर, देखते जाओ, श्वासों को आने दो, अपनी गति से जाने दो, अपनी अब श्वास पर कोई ध्यान नहीं, बस अपने आजा चक्र पर स्पाइन को सीधा रखते हुए अपने चिन को थोड़ा उठाकर रखो और बिल्कुल शांत स्थिति। अब किसी से कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, किसी से कोई आपका कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ अपने आप से जुड़ो, स्वयं से जुड़ो। जिसने स्वयं से जुड़ना सीख लिया उसके जीवन में कभी तनाव नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने अपने आप को जान लिया उसके लिए जीवन में कुछ जानने को शेष नहीं रहता, उसके भीतर से ही ज्ञान स्वतः टूटने लगता है, स्वयं आत्मिक ज्ञान। उसके भीतर उस परम परमात्मा की शक्ति जब काम करने लगती है तो उसके जीवन में संयम घटित होता है, उसके जीवन में ध्यान प्रगाढ़ होने लगता है। तो आप देखते जाओ अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान न हटे, टकटकी लगाई दे, टकटकी लगाए देखते रहो, देखते रहो। आपके ऊपर परमात्मा है अनुकंपा वर्षा के रूप में हो रही है, आप पूरा
उस अनुकंपा में भीग रहे हैं, उड़ाओ आत्मा की अनुकंपा आपके ऊपर बरस रही है। अनुभव करो, जब आप इस परमात्मा अनुकंपा को अनुभव कर लेते हो तो फिर बाहर जगत में अपेक्षाएं नहीं होती, फिर आप किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाते, फिर आप स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव करने लगते हो और परमात्मा कृपा से भर जाते हो, फिर अपूर्णता का अभाव समाप्त हो जाता है, आपकी यात्रा उस पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। ऐसी स्थिति आपके जीवन को उन्नत करती है, आपके जीवन को पोषित करती है। अब 3 बार गहरी श्वास लो, 3 बार धीरे धीरे श्वास पर फोकस करो, वापस फिर से श्वास पर एकाग्रचित्त हो जाओ, पूरा कॉन्सेंट्रेशन श्वास के। अपने पूरी बॉडी को सहज और स्थिर अनुभव करते हैं। परम पिता परमात्मा के समक्ष दोनों हाथों को जोड़ते हुए उसके निराकार विराट स्वरूप को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हुए कि इस अखिल ब्रह्मांड में आपका जो अस्तित्व है उस अस्तित्व के लिए परमात्मा का धन्यवाद करो और प्रार्थना करो कि मेरे इस अस्तित्व को इस ब्रह्मांड में उपयोगी बनाओ, मुझे माध्यम बनाओ श्रेष्ठ कार्यों, शुभ कार्यों, मुझे शक्ति दो, मैं इस संसार में उपयोगी हो सकूं, मैं योगी हो सकूं, मुझे शक्ति दो। ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना करते हुए सबके कल्याण के भाव अपने हृदय में धारण करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करो, सब सुखी, सर्वे सन्तु निरामया सब निरोग, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, कोई दुखी ना, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना अपने हृदय में धारण करो। ऐसी भावना के साथ दोनों हथेलियों से आपस में घर्षण करते हुए हथेलियों में इस ऊर्जा को महसूस करो जो योगमय ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा है। अपने आंखों पर, अपने फोरहेड भाग पर, अपने आज्ञा चक्र को इस ऊर्जा से ऊर्जान्वित करो, फिर धीरे से आंखें खोलते हुए हाथों को हटाओ। इस प्रकार से प्रतिदिन आप ध्यान का अभ्यास करो, ध्यान के अभ्यास से ही योग मार्ग पर चलने की आपको शक्ति मिलेगी और जैसे जैसे आप योग के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे आपका जीवन कमल की भांति खिल उठेगा, फिर जीवन में तनाव नहीं होगा। आज जो तनाव युवाओं को विशेष तौर पर जो तनाव घेर रहा है, यदि इस स्थिति का समाधान है तो केवल ध्यान है, योग है, और योग भी जो वास्तविक ऋषियों के बताए हुआ जो मार्ग है योग का, वही योग। योग के नाम पर न जाने आज कितने तरह के
परिवर्तन करके न जाने क्या क्या योग के नाम पर कराया जा रहा है, इस पर आपको थोड़ा विवेक से चलना, मार्ग भी सही होना चाहिए। पल पल पर भटकाव होगा, आपको चुनना होगा सही मार्ग, सही गुरु के सानिध्य में, तब जाकर आप योग को समझ पाओगे, तब जाकर आप योग के जीवन में अपना पाओगे। और जिसने योग को जीवन में अपना लिया, ये मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आपके जीवन में कभी अभाव नहीं, साक्षात ऐसा अनुभव करेंगे कि वो परम पिता हर पल हर क्षण हर पग पग पर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। फिर आपको तनाव नहीं होगा, फिर आपको भय नहीं होगा। ये भयभीत स्थिति ही तनाव का बड़ा कारण है। फिर आपको अपेक्षा नहीं होगी, अपेक्षाएं तनाव का बड़ा कारण। अपेक्षाएं चाहे स्वयं से हो या दूसरे से, ये दोनों ही स्थिति बड़ी खतरनाक है। तो जब आप ध्यान का अभ्यास करोगे तो आपके जीवन में अपेक्षाएं नहीं किसी से भी, न माता पिता से, न आपकी संतान से, न भाई से, न बहन से, किसी से भी। बस एक अनवरत जीवन जीने का एक कला आपके भीतर स्वतः डेवलप होगी जब आप योग को वास्तविक रूप से समझेंगे, उसको अपनाएंगे और अपने जीवन में उसको निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे तो मेरे आप सभी से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आप सही योग के मार्ग को चुनो और सही योग पर आगे बढ़ो, क्योंकि गलत मार्ग आपको गड्ढे में ही गिरा जाएगा। गलत मार्ग पर चलकर हो सकता है मन उस समय के लिए प्रफुल्लित हो उठे, मन उत्साह से भर जाए, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, कदापि अच्छा नहीं होगा। तो सही मार्ग सही गुरु के सानिध्य में ही आप योग के अभ्यासों को करके आप जीवन को धन्य बनाएं, और उस योग के मार्ग पर चलकर आप दूसरों को भी योग पर चलने की प्रेरणा दें। ध्यान सबके जीवन में घटित हो, ऐसे कार्यों को करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना है कि सबके जीवन में योग घटे, सबके जीवन में सकारात्मकता और संतुलन आए। तो ये जो महायोग क्रिया का अभ्यास आपने किया और ध्यान का अभ्यास किया, इसे रोज करना है, और रोज करके इसे आप 21 दिन भी, यदि जिस व्यक्ति ने इसको रेगुलर कर लिया, 5 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे 21 मिनट तक महायोग क्रिया के अभ्यास को ले जाना है, तो आप स्वयं देखेंगे। मैं शायद शब्दों में आपको अभी नहीं बता पाऊंगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा रूपांतरण होगा। केवल 21 दिन यदि आप करेंगे तो आप स्वयं इस पर चलने के लिए लालायित होंगे, ध्यान के वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे और योग को जीवन में आप कभी नहीं छोड़ेंगे। केवल 21 दिन का बस एक संकल्प करके सही योग के मार्ग पर आप चलें, तो मैं समझता हूं आपके जीवन में रूपांतर निश्चित रूप से घटित होगा। इसके लिए हम 3 दिन का एक महायोग ध्यान का एक कार्यक्रम भी करते हैं। 3 दिन में पूरा ऊर्जा का एक बैलेंस हो जाता है, बॉडी में एक संतुलन आ जाता है, जो विचारों में जितने उथल पुथल रहती है व्यक्ति के, उन सब में एक स्थिरता आने लगती है और एक संतुलन आ जाता है ऊर्जा से, ऊर्जा के लेवल पर। आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जो एनर्जी है बॉडी में, हमारी लेफ्ट साइड नेगेटिव एनर्जी काम करती है और राइट साइड पॉजिटिव एनर्जी काम करती है। ये शरीर दोनों ऊर्जाओं से ही संचालित होता है, दोनों की ही मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन इन दोनों का संतुलन हमारे जीवन में संयम को घटित करता है, संयम को देता है। तो इनका बैलेंस कैसे हो, ये हम 3 दिन में सिखाते हैं और बैलेंस कर देते हैं। फिर आपको निरंतर अभ्यास करके उस बैलेंस को बनाए रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रूपांतरण हो जाता है, आप योग्य हो जाते हैं योग को सही से समझने का,
योग को सही से करने का और योग के मार्ग पर आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, जो शक्ति है, वो आपको स्वयं भीतर से आने लगती है। और आपको जब भीतर से ऐसी प्रेरणा आने लगती है, तो आप योग के परम चरम स्थिति को प्राप्त करने में फिर देरी नहीं होगी। तो बस शुरुआत करने की आवश्यकता है, संकल्प से, सकारात्मकता से। एक बार जब आप पहला कदम रखते हो, दूसरा कदम रखने की शक्ति पहला कदम स्वयं दे देता है। पहला कदम आपको स्वयं ही संभाल लेता है, दूसरा कदम रखने के लिए आपको बस एक छोटा सा एफर्ट करने की आवश्यकता है। तो निरंतर अभ्यास को करना है आप सबको। मेरी यही आप सबसे प्रार्थना है, शुभकामना है आप सबके लिए कि आप योग के वास्तविक स्वरूप को समझें। योग के नाम पर जो आज तरह तरह की कलाएं हो रही हैं, इस कलाएं एक लेवल तक तो आपके लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन योग के जो वास्तविक स्वरूप है, उससे आप कहीं वंचित ना रहें। इसीलिए सही योग के मार्ग पर चलकर, योग के उस परम सुख, परम आनंद को प्राप्त करके आप अपने जीवन को धन्य करें। इस मनुष्य शरीर में आए हैं तो इसका पूरा उपयोग लें। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, आप सबके लिए बहुत बहुत बड़ी शुभकामना। सबको नमस्कार।